अब मेरा आरएसएस फिर आप नहीं बोलिए, क्यों नहीं आ रही है? मेरा आरएसएस नहीं बोलिए है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं, इस चीज को लोगों को समझना। फिर से कहिए, आप ब्राह्मण हैं, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं। कौन कब आए? अमित शाह जी ईरान के हैं। ईरान के हैं, हो ही नहीं सकता कि वो ईरानियन मूल के ही होंगे, होना ही है, समझ रहे हैं? ये तो डीएनए टेस्ट करवा ले डीएनए टेस्ट। पर सब लोग यहाँ के राजपूत कहाँ से आए हुए हैं? सब सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। सेंट्रल एशिया से राजपूत लोग आए? सब लोग राजपूत, गुज्जर लोग राजपूत वहाँ से आए हुए, सेंट्रल एशिया से आए हुए। अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी लाती है तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम लोग इसको तो कभी लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका सबसे दुष्प्रभाव आदिवासियों पर पड़ता है। मैं बीके झा रांची में था और झारखंड, एक झारखंडी हूँ, यहाँ अभी दिल्ली में रहता हूँ। मैं इन सब चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ और लोगों को आगाह करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये जनता और सरकार की बात है। जो जो जिनको हम चुने हैं कि हमारे लिए काम करो, वो हमारे लिए काम नहीं, हमारे ऊपर हमेशा हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। बोलते हैं कि मैं नौकर हूँ, लेकिन नौकर की तरह से काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे हमारा सब अधिकार छीन लें और हम फिर उनके गुलाम बन के रहें। जो अंग्रेज जो गुलामी करवाना चाहते थे, सिर्फ वही फूट डालो और राज करो, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। सरकार ये मान रही है कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। और हिंदू मुसलमान भी है तो मुसलमान भी तो हमारे आदिवासी भी हैं। आदिवासी में से कन्वर्सन हुआ है मुसलमान का, दलित में से कन्वर्सन हुआ है मुसलमान का, वो तो पहले से हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं, इस चीज को लोगों को समझना। फिर से कहिए, आप ब्राह्मण हैं, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं, इसको इस चीज को भारत के हैं, भारतीय हैं, लेकिन हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। उनका पहला अधिकार है, हम उसके बाद आए। इस चीज को हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे मोदी जी को समझना चाहिए। शाह जी बहुत बाद में आए हैं, वो ईरान मूल के हैं, उनको समझना चाहिए इस बात को। उन लोग समझ रहे हैं, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लें डीएनए टेस्ट। कौन कब आए हैं? ईरान के हैं, हो ही नहीं सकता कि वो ईरानियन मूल के ही होंगे, होना ही है उनको। और लोगों को बरगलाए नहीं, सब भारतीय हैं। मैं आरएसएस का था, बचपन में 1960 से 67 तक मैं आरएसएस में था, और आरएसएस में हमेशा अखंड भारत की बात की गई। हमारे संघ चालक थे ईस्टर्न रीजन के, ऋषि मुनि सिंह, हमेशा बात करते थे कि हम लोग अखंड भारत चाहते हैं। कहाँ गया अखंड भारत? हम क्यों जो हिंदू हैं अफगानिस्तान में उनको यहाँ लाए? अफगानिस्तान जब हमारा देश है, हमारा अखंड भारत का हिस्सा है अफगानिस्तान, बिल्कुल। हम वही आरएसएस वाले हमको बचपन में सिखलाए, पाकिस्तान हमारा अखंड भारत है। तो अखंड भारत का सिर्फ ज्योग्राफिकल ये नहीं होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं होता है, एक कल्चर है हमारा। हमारा महाभारत में आप समझिए, पूरा अफगानिस्तान वो पूरे महाभारत के सब चीज़ में शामिल रहा है, तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम उसको, और यहाँ पर सब लोग, यहाँ के राजपूत कहाँ से आए हुए हैं? सब सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। सेंट्रल एशिया से राजपूत लोग आए? सब लोग राजपूत, गुज्जर लोग राजपूत वहाँ से आए हुए, सेंट्रल एशिया से आए हुए। तो इतिहास को नहीं पढ़ने वाले लोग वो हमारे शासक बन गए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास हमको पढ़ाना चाह रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब आप आरएसएस छोड़ा नहीं? अरे 67 के बाद हमारा परिपक्वता बढ़ते गया, हमको तो अभी ये लोग अरबन नक्सल बोलेंगे, तो मैं अरबन नक्सल हो गया हूँ अभी, तो इसीलिए परिपक्वता आती है ना, मैं परिपक्वता आई कि हम गलत चीज में नहीं रहे। अखंड भारत का इन लोगों का एजेंडा छूट गया, मेरा भी छूट गया आरएसएस, इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि हम आरएसएस का हम कोई किसी चीज के लिए हम तो उसका परमानेंट ये नहीं होते हैं ना। दलित
दलितों को या आदिवासियों को या फिर मॉमडन्स को इस देश से निकालने की बात कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से आरएसएस के या ब्राह्मणों को या जो आप लोग बाहर से आए थे आपको अगर बाहर निकालने की बात करें तो कैसा लगेगा? ये संभव नहीं है। जो वो बोल रहे हैं वो भी गलत है, जो ये बोलेंगे वो भी गलत है, क्योंकि ये देश सबका है, ये सनातनियों का देश है, और सनातनी का मतलब होता है जो हो रहा है, जो होता रहा है वो होता रहे। ये हम, बात आपकी समझ में आ रही है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को समझ में आ रही है, पर ये आपके आरएसएस और नेताओं, अब मेरा आरएसएस फिर आप नहीं बोलिए, क्यों नहीं आ रही है? मेरा आरएसएस नहीं बोलिए, जिनका आरएसएस है वो जो उसको ओन कर रहे हैं उनका आरएसएस, जो इस देश को समझते हैं मेरी थाती है उनका देश, मेरा देश मेरा, उनको समझाने के लिए हम लोगों को सब लोगों को सड़क पर आना पड़ा, आ गए हैं। सजेशन बताइए, हम लोग सड़क पर, आप कितने भी आंदोलन करने, 3 महीने से आंदोलन रोड डेली हो रहे हैं और बस करते। देखिए हम जब बताए कि हम आरएसएस में थे तो हम जयप्रकाश नारायण जी के भी साथ थे, और उन्होंने अनवरत क्रांति की बात की है, संपूर्ण क्रांति और अनवरत क्रांति की बात की है, तो ये बहुत तो छोटा सा चीज, आदमी का जिंदगी जो है ना बहुत छोटा होता है, हमको हमारे देश का जो कंटिन्यूटी है वो तो चलते रहना है, हमारी सभ्यता का कंटिन्यूटी चलते रहना है, तो उसको चलाने के लिए हम अगर समझे कि हम अपनी जिंदगी में ही सब कुछ पालेंगे, पॉसिबल संभव नहीं है, हमको लड़ते रहना है, हमको सही दिशा दर्शन दिखलाते रहना है, और जो गलत रास्ते हैं उनका विरोध करना है। तो ये क्या हम ऐसे लोगों से अपनी जान की भीख ना मांग करके, अपने अधिकार ना मांग करके हम उन्हें देश से ही बाहर भगाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि देश सबका है, जो नहीं समझ रहे, हमारा भाई अगर हमारे साथ है और वो नहीं समझ रहा है कि इस जमीन पर सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, और सबका अधिकार है, सबके लिए है पृथ्वी, सबके लिए है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये पृथ्वी अभी जितनी आबादी है 8 अरब करीब आबादी है, जितना हमारा विज्ञान का ये डेवलपमेंट हुआ है, और बहुत सारा डेवलपमेंट संभव है, अभी के जो अभी का जो डेवलपमेंट हो चुका है उस वैज्ञानिकता से हम इससे 10 गुना आबादी को खिला सकते हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान और डिविजनिस्ट में, हमारी सरकार जो हमको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर धकेलने में लगी हुई है, जो खुद ही मूर्ख है खुद, और ये मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जो लोग थे कुछ, वो कैपिटलिज्म तो इस चीज़ में जो संपत्ति को कैसे कुछ लोगों के हाथ में दिया जाए उसी में लगे हुए थे, तो जी और जो अवेलेबल है और आगे कैसे बढ़े, मानव सभ्यता को कैसे इजी लाइफ इजी किया जाए उसके लिए नहीं बढ़ रहे, बिजनेस इजी करने में लगे हुए रहते हैं, इस सब चीज़ को सभी अच्छे तरह से सब लोगों को समझना है, और सबको सामूहिक रूप, इसमें ब्राह्मण और आदिवासी और ये सब चीज़ नहीं कुछ करना है, हम लोग सब लोग साथ हैं।